हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध एक अध्याय 17 श्लोक नंबर 28। इति धर्मम महिम चैव सांत्वायित्वा महारथः निशातमाददे खंगम निशातमाददे खड्गम कलाये धर्महेतवे इति धर्मं महिम चैव सांत्वायित्वा महारथः निशातमाददे खड्गम कलाये धर्महेतवे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस प्रकार एक साथ हजार शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तो इसमें हम देखते हैं कि कली जो है वो गाय और बैल जो धर्म का प्रतीक है और जो पृथ्वी गाय के रूप में धारण करके आया है उनको सता रहे हैं, तो परीक्षित महाराज उनको अभय प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार एक साथ हजार शत्रुओं से अकेले लड़ सकने वाले महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दिया। वो बहुत बड़े वीर है और इसीलिए वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको याद है धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, फिर भी वो नहीं बने थे, जो है राजा नहीं बने थे। क्यों? क्योंकि वो अंधे थे जन्म से, और कोई भी विकलांग हो या कोई ऐसे अंधे हो तो उनको राजा का पद नहीं दिया जाता, क्योंकि राजा को ऐसा होना चाहिए हजारों के साथ एक साथ लड़ सके। उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत, वो किसी और को देने की आवश्यकता नहीं, वो खुद हजारों को एक साथ जो है रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को वो पद नहीं दिया गया था, क्योंकि एक राजा के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है, उसको उसके लिए बहुत वीर होना चाहिए। तो यहाँ परीक्षित महाराज बहुत वीर है, वो हजारों के साथ जो हजार शत्रुओं के साथ एक साथ लड़ के उनको हरा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने पूरी शक्ति के साथ या पूरा प्रभाव के साथ उनको सांत्वना दिया कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको सताने वालों को मैं मार दूंगा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अधर्म के जो कारण है साक्षात कली, उनको मारने के लिए तेज तलवार निकाल ली। और कली अभी किस रूप में है, एक राजा के रूप में है, जो दिखने में भी ब्लैक जैसा है और एक राजा के रूप में है अभी। तो साक्षात कली वह है जो जानबूझकर शास्त्रों द्वारा वर्जित समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करता है। कई बार जो है व्यक्ति शास्त्रों को जानने के बाद भी पाप कार्य करते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए दुर्योधन को। दुर्योधन हो चाहे पांडव हो, एक ही गुरुकुल में पढ़ा है, ऐसा नहीं कि उनका स्टडी अलग अलग जगह पे हुआ है, लेकिन फिर भी पांडव धर्म के अनुसार चलते हैं और दुर्योधन जो है अधर्म के अनुसार चलते हैं। क्या रावण को धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं था, वेदों का ज्ञान नहीं था, तो शिव जी की स्तुति के लिए इतना महान स्तुति कैसे बना सकते थे? उनको नॉलेज था, लेकिन फिर भी उन ज्ञान पर धर्म के पथ पर वो चल नहीं पाए। और जैसे हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु का भाई का जब भगवान वराह रूप में उनका वध कर देते हैं, तो उनके संबंधियों को सांत्वना किस प्रकार देते हैं कि हम आत्मा हैं, है ना, आत्मा का कोई मृत्यु नहीं है, दुख का कोई कारण नहीं है। तो इसका मतलब हिरण्यकशिपु को भी जो है है ज्ञान, लेकिन फिर भी शास्त्रों के ज्ञान होने के बावजूद तो शास्त्रों द्वारा वर्जित सब कर्म कर डालते हैं। तो यह कलियुग जो है निश्चित रूप से जो कली के समस्त कार्यकलापों से भरा रहेगा। कलियुग है तो कलियुग का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो नेता है, राजा मतलब जो प्रशासक है या विद्वान या बुद्धिमान व्यक्ति है, वो हाथ पर हाथ धरकर ऐसे बैठे रहे, अरे कलियुग है हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बैठना नहीं है।
उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनको ये उपाय ढूंढना चाहिए शास्त्र से कि किस प्रकार कली का कलमश नष्ट हो सकता है, कलयुग में रहने के बाद भी किसके ऊपर कली का प्रभाव नहीं पड़ेगा जो भगवान के भक्त होगा। तो इसलिए उनको भक्ति का प्रचार करना चाहिए, भक्त बनाना चाहिए पूरे समाज को, उसके लिए कुछ कार्य करना चाहिए। जैसे उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद जी, जैसे वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु में तो बारिश खूब आएगी, कई कई जगह में तो कई कई दिनों तक बारिश आता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश से बचने का कोई हम साधन ही नहीं अपनाएंगे, हमें साधन अपनाना होगा। राज्य के कार्यकारी अध्यक्षों तथा अन्यों का कर्तव्य है कि वे कली के कार्यकलापों के विरुद्ध या कली द्वारा प्रभावित पुरुषों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें। अर्थात जो कली द्वारा प्रभावित व्यक्ति है, कली का जो पाप का जो चार वो है, चार नियमों का उल्लंघन है, मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध संबंध, तो इसमें एक्चुअली दंड होना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ कार्य करे ताकि दंड ही दे लेकिन प्रजाओं को जो है इन पाप कर्मों से दूर रखे और भगवत धर्म का, भगवत भक्ति का प्रचार करे। भगवत धर्म क्या है? भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाना हृदय में, इससे हर एक व्यक्ति जो है समस्त दूषित चीजों से दूर रहेंगे, दुर्गुणों से दूर रहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि प्रशासकों को चाहिए कि वे केवल भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पारित ना करें, अपितु उन्हें चाहिए कि भ्रष्टाचार फैलाने वाले पुरुषों को प्रमाणित शास्त्र की दृष्टि से पैनी तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत रहे। तो भ्रष्टाचार के विरोध में ये लॉ, ये कानून सिर्फ उतना निकालने से नहीं होगा, दंडित भी करना होगा। उन्हें चाहिए कि मादक औषधियों तथा शराब की सारी दुकानें अविलंब बंद करा दें और जिन लोगों को नशे की लत हो उन्हें मृत्युदंड तक देने से ना हिचके। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, और ऐसा होता भी था पहले। तो अगर कोई ऐसा करे तो ऑटोमेटिकली जो है, जो एक पाप करने की प्रवृत्ति है उसमें रोक लग जाएगी। अगर बाय चांस मान लीजिए कोई ऐसा नेता आ जाए, ऐसा राजा आ जाए पावरफुल, परीक्षित महाराज जैसा, या परीक्षित महाराज से थोड़ा कम भी हो, कलयुग में तो परीक्षित महाराज के धूल के बराबर भी कोई राजा मिले तो बहुत अच्छा, चरण के धूल के बराबर भी कोई राजा मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मान लीजिए कोई आ जाते हैं, सारे शराब का दुकान बंद कर देते हैं, मांस कसाई घर बंद कर देते हैं, है ना, या किसी को अगर लत लगी हुई है नशा की इतनी, तो उसको मृत्युदंड तक भी देते। ऑब्वियसली कोई मृत्युदंड की दर से सुधरना ही पसंद करेंगे। और ये शराब की लत की वजह से कितने का घर नष्ट हुआ है, बर्बाद हुआ है, कितना क्राइम हुआ है, इसे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। कली के कार्यकलापों को बंद करने का यही उपाय है कि राजा बहुत प्रभावशाली हो और ऐसा नियम वो लागू करे, जैसे कि परीक्षित महाराज यहाँ पे प्रदर्शित किया है कि वो तुरंत तलवार निकाला कली को मारने के लिए। श्लोक नंबर 29, तम जी घांग सुमपी प्रेत्या, तम जी घांग सुमभी प्रेत्या, विहाया नृपलांचनम तत्पादमूलम शिरसा समगाद्भाय विहिबलः। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जब कली ने समझ लिया कि राजा उसको मार डालना चाह रहा है, तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और भयभीत होकर अपना सिर झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो बुद्धिमान है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे पहले के राजा होते थे, वो जब कोई बलशाली है तो तुरंत उनके आश्रय में आते कि आज से आप हमारा सम्राट है। अगर वो प्रजा युद्ध नहीं चाहते और अपना प्राण भी नहीं गंवाना चाहते, वो राजा बने रहना चाहते हैं, तो वो बलशाली राजा के अंदर रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार की बुद्धिमानी है। तो कली को पता है कि परीक्षित महाराज जो है महान राजा है, वैष्णव है, वो तो क्षत्रिय का धर्म को पूरा पूरा पालन करते हैं। तो अगर मैं इनकी शरणागत होता हूँ तो ये मुझे नहीं मारेंगे, क्योंकि क्षत्रिय कभी भी शरणागत को नहीं मारते हैं।
तो कली को समझ में आ गया कि परीक्षित महाराज बहुत पावरफुल है और ये मुझे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। मतलब किसी भी युग चक्र में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग आया, कलयुग आएगा ही नहीं, हमेशा के लिए मुझे निकाल सकते हैं। तो इसलिए तुरंत जो अपना राजा का वेश धारण करके कली बैठे हुए थे, मार रहे थे बैल को, गाय को, तो सिर झुका लिया चरणों में परीक्षित महाराज के और आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि कली का जो राज वेश था वो नकली था। राजा या क्षत्रिय के लिए राज वेश उपयुक्त होता है, किंतु जब निम्न जाति का मनुष्य राजा का बनावटी वेश धारण कर लेता है तो महाराज परीक्षित जैसे प्रामाणिक क्षत्रिय के ललकार से उनकी असली पहचान प्रकट हो जाती है। जैसे कोई कौवा है, वो कितना भी हंस जैसा वो पंख लगा ले तो वो हंस नहीं बन सकता है ना। इसलिए जब जब तक व्यक्ति इस क्षत्रिय का गुण अर्जन ना कर ले, वो क्षत्रिय जैसा ड्रेस भी पहने तो क्षत्रिय नहीं बन सकता है, तो असली पहचान प्रकट हो ही जाता है। तो असली क्षत्रिय कभी आत्मसमर्पण नहीं करता, अर्थात क्षत्रिय का जो खून है वो ऐसा है कि वो ललकार को स्वीकार करते हैं। जब बाली सुग्रीव ने ललकारा बाली को, तो बाली की पत्नी तारा ने कहा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, आपके प्राण को भय हो सकता है, आपका प्राण जा सकता है, शायद ऐसा हो सकता है सुग्रीव के साथ कोई मिला हुआ है, नहीं तो आपका भाई छोटा सुग्रीव इतना हिम्मत नहीं कर सकता, आपके सामने कोई भी आ जाए, आपको वरदान है, उनकी शक्ति आधा हो जाता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बाली रुक नहीं पाए क्योंकि असली क्षत्रिय थे, तो युद्ध किया और मारे गए। तो ललकार को स्वीकार करते हैं और मरते दम तक या तो लड़ता है या जीतता है, वो कभी भी जो है मैदान छोड़कर भागते नहीं है, असली क्षत्रिय। तो कलयुग में न जाने कितने ऐसे छद्म वेश धारण करने वाले हैं जो असली क्षत्रिय नहीं है। तो इसलिए जब छद्म वेशधारी कली ने देखा कि महाराज परीक्षित से युद्ध करना उनके वश के बाहर है, तो तुरंत सिर झुका लिया और राज वेश उतार दिया। इस तरह उन्होंने बुद्धि का उपयोग किया कि उनका प्राण रह जाए। श्लोक नंबर 30। पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधिच्छलोकम् शरण्यो नावधिच्छलोक्या आह चेदं हसन्निवा। शरणागत के रक्षक तथा इतिहास में प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वे दीन वत्सल जो है, भगवान दीनानाथ है, भगवान दीन वत्सल है, तो भगवान कृष्ण के भक्त भी जो है दीन वत्सल होते हैं। तो परीक्षित महाराज कोई साधारण राजा नहीं है, वो राजर्षि है। राजा के भेष में वो ऋषि का जीवन व्यतीत करते हैं, तपस्या का जीवन व्यतीत करते हैं, कृष्ण की भक्ति करने वाले हैं। तो जब उन्होंने उनका शरणागत हो गए कली, तो शरणागत के रक्षक नाम से प्रसिद्ध है परीक्षित महाराज, तो वो कली को मारा नहीं बल्कि दयापूर्वक को हंसने लगे। जब एक सामान्य क्षत्रिय भी शरणागत व्यक्ति को नहीं मारता, तो फिर महाराज परीक्षित जो महान क्षत्रिय थे, जिनका स्वभाव जो है बहुत दयालु है और गरीब लोगों पर वो बहुत सदय है, वे कैसे कली को मार सकते थे? वो शरणागत की रक्षक है, वे हंस रहे थे क्योंकि छद्मवेशधारी कली ने अपनी पहचान प्रकट कर दी थी कि मैं कली हूँ, और सोच रहे थे कि ये कितनी विडंबना है कि जिस पैनी तलवार से वे जिस किसी का वध कर देते हैं, उससे यह दीन निम्न जाति वाला कली सामयिक आत्मसमर्पण के कारण बचा जा रहा है। आत्मसमर्पण किया इसलिए बच गए, नहीं तो मर जाते। इसलिए इतिहास में महाराज परीक्षित के जो यश है उसका हमेशा गुणगान किया जाता है, सदयता का गुणगान किया जाता है। ये सदय और कृपालु सम्राट थे और अपने शत्रु को भी शरण लेने वाले थे। अर्थात जैसे भगवान के राम जी के शरण में आते हैं ना विभीषण अपने चार मंत्रियों के साथ, तो राम तुरंत शरण देते हैं, हालांकि उनको मना करते हैं, तो राम जी कहते हैं
कि देखिए अगर रावण भी शरण लेने आएंगे तो मैं उनको भी शरण दे दूंगा। तो फिर विभीषण का युद्ध जीतने से पहले ही लंका के लिए अभिषेक कम कर देते हैं, राज्य अभिषेक। तो राम जी से बाकी उनके भक्त पूछते हैं कि आप बताइए अगर रावण भी शरणागत हो गया तो आपने तो लंका ऑलरेडी विभीषण के नाम कर दिया, फिर रावण को क्या देंगे? श्री राम जी कहते हैं मैं अयोध्या दे दूंगा। तो बोलते हैं अच्छा अयोध्या दे देंगे तो भरत को क्या देंगे? भगवान कहते हैं मैं अपना वैकुंठ दे दूंगा। तो इतने सदैव और इतने दयालु है भगवान, और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भी दयालु होते हैं। इस तरह देवी इच्छा से जो है भगवान की इच्छा से कली बच गया। नेक्स्ट श्लोका 31, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, राजोवाच नाते गुडाकेशयशोधराणं बद्धाञ्जलिर्विभयमस्ति किंचि नावर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः नाते गुडाकेशयशोधराणं बद्धाञ्जलिर्विभयमस्ति किंचित् नावर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। तो भगवान परीक्षित में कितना स्पष्ट भाषा में बता दिया कली को कि देखो कली, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, अर्थात अर्जुन ने जो यश वर्धन किया है, जिस यश को उन्होंने प्राप्त किया है, अर्जन किया है, उसका उत्तराधिकारी है। हमारे जो पूर्वज है वो जैसे धन कमाए तो धन का उत्तराधिकारी हम बनते हैं, यश कमाए तो यश का उत्तराधिकारी भी बनते हैं। और बोलते हैं कि देखो कली, आप मेरे आगे हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो तो इसलिए आप प्राणों का भय मत रखो क्योंकि शरणागत को हम नहीं मारते, लेकिन एक कंडीशन है, आप मेरे राज्य में नहीं रह सकते क्योंकि मेरे राज्य में अधर्म का कोई स्थान नहीं और आप जो है अधर्म के मित्र हो। सभी प्रकार के अधर्मों के मित्र है कली। कली को क्षमा किया जा सकता है यदि वो आत्मसमर्पण करता है, लेकिन उसे किसी भी दशा में कल्याण राज्य के किसी भी कोने में नागरिक के रूप में रहने नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनका संगति भी खतरनाक है। पांचों पांडव भगवान कृष्ण के विश्वास पात्र प्रतिनिधि थे जिनके कारण ही वास्तविक रूप से कुरुक्षेत्र का युद्ध अस्तित्व में आया, और कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का विजय हुआ कृष्ण के कारण। वे चाहते थे कि संसार में महाराज युधिष्ठिर तथा उनके वंशज महाराज परीक्षित जैसे आदर्श राजा राज्य करें, अतएव महाराज परीक्षित जैसे उत्तरदायी राजा अपने राज्य में अधर्म के मित्र पांडवों का जो कीर्ति है यश है उसका मूल्य चुकाकर वो अधर्म को रहने नहीं दे सकते हैं, अधर्म को फलने फूलने नहीं दे सकते हैं। तो राज्य राज्य से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने का यही एकमात्र उपाय है कि अधर्म को टिकने ना दिया जाए और अधर्म के जो मित्र हैं उनको देश निकाला देना चाहिए तो राज्य भ्रष्टाचार जो है उससे बच जाएगा। श्लोक नंबर 32, त्वं वर्तमानं नरदेव देहे स्वनो प्रवृत्यो यमधर्म पूगः लोभो नृतं चौर्यमनार्यमं हो ज्येष्ठा च माया कलह च दंभः। यदि कलिरूपी अधर्म को नरदेवता
अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। तो राजा को तो कभी भी अधर्म अधर्म का मित्र होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो पूरा अधर्म फैल जाता है पूरे समाज में। किसी भी मत के अनुयायी गण धर्म के सिद्धांतों जैसे तप, स्वच्छता, दया और सत्य का पालन कर सकते हैं। इसके लिए हिंदू से मुसलमान या ईसाई या अन्य कोई मतावलंबी बनने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि स्वधर्म त्यागी बनकर धर्म के सिद्धांतों का पालन न करना पड़े। भागवत धर्म धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहता है, किसी को कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहता है। तो धर्म के सिद्धांत ना तो रूढ़िया है ना ही किसी मत के नियामक सिद्धांत है। तो ऐसे नियामक सिद्धांत जो है वो अनादि है, और ये नियामक सिद्धांत भगवान ही बनाते हैं, उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। लेकिन जो दूसरे नियामक सिद्धांत जो शास्त्रों में नहीं है, वो तो देश काल के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे कोई अलग अलग धर्म को पालन करते हैं, अलग अलग देश में रह रहे हैं, तो अलग अलग विश्वास भी वो डेवलप कर सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें वो कभी परिवर्तन नहीं होता। जैसे जीवों के प्रति दया, भगवान के लिए प्रेम हृदय में डेवलप करना, धर्म के उद्देश्य को पूरा करना। धर्म क्या है? कि हम भगवान के आदेशों के अनुसार चले, शास्त्रों के अनुसार चले। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी विशेष मत के प्रति निष्पक्ष रह सकता है, किंतु राज्य उपर्युक्त धर्म के सिद्धांत के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। अर्थात मांसाहार, नशा, जुआ, अवैध यौन संबंध, इससे बचाना चाहिए समाज को। लेकिन कलयुग के राज सत्ता के कार्यकारी अध्यक्ष ऐसे धार्मिक सिद्धांतों के प्रति उदासीन होंगे, और इसीलिए कलि का बोलबाला होगा, और इसलिए जो है व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार के मानसिक बीमारियों से भी जूझना होगा कलियुग में। श्लोक नंबर 33। नावर्ति तव्यम तदधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ति यत्र यजन्ति यज्ञै यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञः। अतः बहे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। अर्थात साफ साफ कलियुग को बता दिया परीक्षित महाराज ने कि मेरे राज्य में तो बड़े बड़े भक्त हैं जो धार्मिक नियमों के अनुसार जीवन जीते हैं, इसलिए तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो। यज्ञ का ईश्वर कौन है? समस्त यज्ञ का भोक्ता है भगवान श्री कृष्ण। ऐसे यज्ञ अनुष्ठान विभिन्न युगों के लिए शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से बताए गए हैं। यज्ञ का अर्थ यह है एक्चुअली कि भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को स्वीकार करना और ऐसे कार्य करना जिससे भगवान संतुष्ट हो हमसे, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई यज्ञ नहीं करते हैं। कोई भी स्थान या देश जहाँ भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार की जाए तथा यज्ञ संपन्न होता है, वो उनको कहा जाता है ब्रह्मावर्त। विश्व के विभिन्न भागों में बहुत सारा देश है, और इनमें से प्रत्येक देश में भगवान को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो भागवत में दिया है, और वो है सत्य। धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? सत्य है, और सभी धर्मों का चरम लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। इस कलयुग में यज्ञ का सबसे महान सामान्य सूत्र संकीर्तन यज्ञ है। तो इस युग में आपको कोई बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ और बहुत बड़ा बड़ा जो है खर्चा ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, उद्देश्य सफल हो जाएगा। ये संकीर्तन यज्ञ भक्तों के साथ मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। यह मत उन पंडितों का है जो यज्ञ विधि का प्रचार करना जानते हैं।
भगवान चैतन्य ने यज्ञ की इस विधि का प्रचार किया और इस श्लोक से यह जाना जा सकता है कि संकीर्तन यज्ञ ही कली का कलमश दूर कर सकता है, कली को भगा सकते हैं और मानव समाज को कली के शिकार बनने से पूरी तरह से बचा सकते हैं संकीर्तन यज्ञ। इसलिए हमें जहाँ भी मौका मिले कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, निरंतर हमें भगवान की सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। श्लोक नंबर 34। यस्मिन् हरिर्भगवानिज्यमाना इज्यात्ममूर्तिर्यजतं शं तनोति कामानमोघान् स्थिरजङ्गमानम् अंतर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा। समस्त यज्ञोत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के अंतरात्मा हैं और वायु के समान भीतर और बाहर विद्यमान रहते हैं। इस तरह केवल वही है जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। तो देवतागण भी भगवान के ही अंश है, देवतागण भी पूजनीय हैं, लेकिन समस्त जो भी पूजनीय है, कोई भी पूजनीय है पूरे जगत में, आध्यात्मिक हो भौतिक जगत हो, तो सबसे अधिक पूजनीय कौन है? देवानाम अच्युतम यथा, देवताओं में भी और समग्र बड़े बड़े जो भी है पद, उनमें सब में पूजनीय अच्युत यानी कृष्ण है। और क्यों पूजा किया जाता है? ये कृष्ण अंतरात्मा है, कृष्ण परम भगवान है, वो परमात्मा के रूप में सब हृदय के, सबके हृदय के भीतर है, सब प्राणियों के अंदर है और बाहर भी है। और वो उनकी पूजा करने वाले की हर प्रकार से कल्याण करते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की भी पूजा की जाती है और उन्हें यज्ञ फल प्रदान किए जाते हैं, फिर भी ये जो यज्ञ फल मिलता है देवताओं को, वो लेकर वो कृष्ण के पास ही अर्पण करते हैं और कृष्ण का जो महाप्रसाद है वही वो ग्रहण करते हैं। तो ऐसे समस्त यज्ञों का फल पूजा करने वालों को परमेश्वर द्वारा ही प्रदान किया जाता है और जो वरदान उनको यज्ञ के कारण मिलता है वो भी भगवान ही प्रदान करते हैं। और देवता भी भगवान की अनुमति से ही वरदान दे सकते हैं, केवल भगवान की ही पूजा करने वाले का ऐसा कल्याण कर सकते हैं। यद्यपि देवताओं की पूजा की जाती है किंतु वे भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, वो स्वतंत्र नहीं है, वो भगवान के अधीन है, क्योंकि भगवान जो है चर अचर देवता सबके परमात्मा है। भगवद गीता में 9वें अध्याय के 23वां श्लोक में भगवान ने स्वयं इस प्रकार पुष्टि किया है, ये प्यान्या देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेपि मामेव कौन्तेया यजन्त्या विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अन्य देवों को जो भी अर्पित करता है वो वास्तव में मेरे निमित्त ही होता है, किंतु यह यथार्थ को समझे बिना अर्पित किया जाता था, अविधि पूर्वकम, अर्थात वो लोग मुझे डायरेक्ट भी अर्पण कर सकते हैं लेकिन वो देवताओं के थ्रू अर्पण करते हैं तो मुझे ही प्राप्त होता है, क्योंकि देवता लोग भगवान के भक्त हैं, लेकिन बोलते हैं ये अविधि पूर्वकम है, ये विधि नहीं है, विधि यह है कि भगवान को डायरेक्ट अर्पण करें अगर भगवत धाम जाना है तो। तथ्य यह है कि परमेश्वर अद्वितीय है, भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है। इस प्रकार भगवान इस भौतिक सृष्टि से हमेशा परे रहते हैं और इसलिए हमें भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहिए, सीधे परमेश्वर की पूजा करना चाहिए। इधर उधर भटकने से समय जाएगा और भगवत धाम जाने के लिए जो तैयारी है उसमें कमी रह जाएगी। हमारा एक एक सेकेंड काउंट होता है, एक एक सेकेंड हम भगवान की सेवा में बिताना चाहिए। और जो उतने बुद्धिमान नहीं है तो शास्त्रों में कहा गया है कि फिर भी अगर वो भगवान की पूजा नहीं भी करते हैं तो उनको देवता की कम से कम पूजा करनी चाहिए, कि भगवान की भक्ति में वही लगते हैं जिनको मालूम है कि वो भगवत धाम जाना उनका जो है परम लक्ष्य है और भगवान का प्रेम प्राप्त करना जो है उनका परम लक्ष्य है।
श्लोक नंबर 35, सुत उवाच परीक्षिते ममादिष्टः सकालिर्जातवेपथुः तमुद्यतासि माहेदम् दण्डपाणिमिवोद्यतम्। तो ये श्लोक शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भाई के मारे थरथराने लगे, क्योंकि परीक्षित महाराज इतने प्रतापी राजा है, प्रतापशाली है, तो कली जो है बहुत डर गए, भयभीत हो गए। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उद्यत देखकर कली ने राजा से इस प्रकार कहा, क्योंकि कली को मालूम है कि अधर्म का वो जो है मित्र है, और परीक्षित महाराज ने देखा कि वो गाय बैल को मार रहे थे, तो अब उनका बचना नामुमकिन है, इसे सोच के वो डर रहे थे। तो लेकिन वो शरणागत हो गए, तो भगवान जो है भगवान की इच्छा से हुए, है ना। तो फिर क्योंकि कलयुग में एक महान गुण है कि कोई कलयुग में अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं भगवत धाम जा सकते हैं, तो इसलिए कलयुग बच गए परीक्षित महाराज की जो है गुस्से से, क्रोध से। कली ने भी विभिन्न प्रकार से दंड से बचने का उपाय लगाकर अंत में निश्चय किया कि वो राजा के शरण में जाए, फिर भी वो कांपने लगे। तो राजा को ऐसे प्रबल होना चाहिए कि जो गलती करते हैं वो उनके सामने कांपने लगे, ऐसे होना चाहिए राजा को। यमराज जैसे लग रहे थे कली को परीक्षित महाराज। तभी जो है अधर्म के ऊपर जो है शासन या अधर्म को दूर किया जा सकता है, कोई अगर इतना प्रतापशाली राजा हो तो। श्लोक नंबर 36, कलिरुवाच यत्र क्व वाथ वत्स्यामि सार्वभौमतवज्ञया लक्षये तत्र तत्रापि त्वामत्तेषु शरासनम्। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहाँ कहीं भी रहो और जहाँ कहीं भी देखो वो केवल आपको आपको ही धनुष्पान लिए देखूंगा। कल ही देख रहा था कि महाराज परीक्षित सारे विश्व के सम्राट हैं, इसलिए वो जहाँ भी रहेंगे वो उनका राजा को ही देखेंगे। कली उपद्रव के निमित्त था, कली का काम है कि उपद्रव मचाना, और महाराज परीक्षित कली जैसे उपद्रव कार्यों को दमन करने वाले थे, इसलिए कली के लिए तो यही श्रेयस्कर था कि राजा उसे ना मारे, प्राणदान दे। अब तो वो राजा के समक्ष शरणागत था और सब कुछ राजा के हाथ में था, अब जो भी करना है। श्लोक नंबर 37, कलियुग बोलते हैं इसमें भी, कली बोलते हैं, तन्मे धर्माभृतम श्रेष्ठ स्थानम निर्देश तुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठम स्तेनुशासनम्। अतः हे धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान निश्चित कर दें जहाँ मैं आपके शासन के संरक्षण में स्थायी रूप से रह सकूं। तो बोलते कि ठीक है, लेकिन मैं आपके शरणागत हूँ, तो कोई स्थान शरणागत को रहने का तो कोई जगह देना होगा ना राजा, तो आप मेरा कोई जगह जो है बना दीजिए जहाँ मैं स्थायी रूप से रह सकूँ, परमानेंटली रह सकूँ। तो कली ने महाराज परीक्षित को धर्म रक्षकों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया, क्योंकि राजा ने उनका जो है शरणागत होने पर प्राण दान दे दिया, सुरक्षा प्रदान किया। और धर्म का नियम हमेशा पालन करते एक क्षत्रिय राजा, भले शत्रु ही क्यों ना हो, अगर शरणागत है तो उनको उनका प्राणदान दे देते हैं, रक्षा करते हैं। अतएव हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान अपने शरणागत व्यक्ति की संरक्षण किस प्रकार करेंगे। अगर अगर कोई क्षत्रिय इतना रक्षा करते हैं तो फिर भगवान जो है, जो क्षत्रिय धर्म कहता है कि शत्रु भी अगर शरणागत हो जाए तो उसको मत मारो, सुरक्षा दो, तो कृष्णा कितने हमें संरक्षण प्रदान करेंगे जब हम उनके शरणागत हो जाएंगे। इसलिए भगवान के शरण में शत्रु रूप में नहीं जाना चाहिए, जैसे कि कंस गए शत्रु रूप में, हिरण्यकशिप हो गए, रावण, हमें हमेशा उनके सेवक के रूप में जाना चाहिए, प्रतिकूल नहीं अनुकूल भक्ति करना चाहिए। भगवान शरणागत की समस्त पाप और पाप कर्मों के फलों से रक्षा करते हैं,
ये भगवान ने 18वां अध्याय में 66 श्लोक में भगवद गीता में बताया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, मैं तुम्हारे समस्त पापों से मुक्त करूंगा, बस मेरे शरणागत हो जाओ, ये भगवान ने कहा है। श्लोक नंबर जो है 38, सुत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कालये ददो द्युतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मचतुर्विधः। सुत गोस्वामी ने कहा कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहाँ जुआ खेला जाता है, शराब पिया जाता है, अवैध यौन संबंध होता है, वेश्यावृत्ति और पशुवध होते हैं, मांसाहार होते हैं। तो क्योंकि कलयुग ने प्रार्थना किया और कोई रहने का जगह मांगा क्योंकि वो शरणागत है, तो फिर क्योंकि परीक्षित महाराज तो पूरी पृथ्वी का ही राजा थे, तो फिर कहाँ जाते कलयुग, बोला था मेरे राज्य में नहीं रह सकते, तो इसलिए उन्होंने विनम्रतापूर्वक जगह मांगा। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि ठीक है, ऐसे जगहों पर रहो जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ नशा किया जाता है, शराब पिया जाता है, जहाँ वेश्यावृत्ति हो यानी अवैध यौन संबंध हो, और जहाँ पशुवध हो यानी कसाई घर या मांस बेचा जाता है, मांस खाया जाता है, ऐसे जगहों पर रहो। अधर्म का मूल लक्षण यथा अहंकार, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन, असत्य भाषण, धर्म के चार सिद्धांत जो है तपस्या, स्वच्छता, दया और सत्य के विपरीतार्थी है। कली को जिन चार स्थानों में रहने के लिए राजा ने अनुमति दिया तो ये चार स्थान जो है अधर्म का स्थान है। श्रील जीव गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांतों विरुद्ध मद्यपान और सोत्रामणि देख बिना विवाह के स्त्रियों की संगति तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवध या धार्मिक कृत्य है। तो इसलिए हमें शास्त्रों के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, वह धार्मिक माना जाता है। वेदों में प्रवृत्तो अर्थात जो भौतिक भोग में लगे हुए हैं या निवृत्तो जो भव बंधन से मुक्त है, उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार का आदेश है। जो प्रवृत्तो है यानी जो भौतिक भोग में लगे हुए वो किस तरह से धीरे धीरे भौतिक भोग से मुक्त होकर मोक्ष की ओर जा सकते हैं उसके बारे में बताया है, ताकि वो जीवन को जो है नियमित करे। जैसे एग्जाम्पल दिया अगर जाए कि मांस खाने को ही, तो मांस खाए बिना कुछ लोग रह ही नहीं सकते, तो उनका उद्धार कैसे होगा? अगर एकदम से मांस छोड़ने को बोले तो नहीं छोड़ सकते, तो उनको नियमित कर सकते हैं। जैसे कि शास्त्रों में अनुसार, शास्त्र भी पुराण, पुराण भी 18 है, 6 पुराण सत्वगुण के लोगों के लिए है, 6 पुराण रजोगुणी लोगों के लिए है, 6 पुराण तमोगुणी लोगों के लिए है। तो तमोगुणी लोग भी धीरे धीरे सत्वगुण तक ऊपर उठ सके, इसलिए ये पुराणों में आदेश दिया है, जैसे कि मांस खाने को लेकर ही, कि काली को जो है अमावस्या के दिन बलि चढ़ाकर वो प्रसाद जो है प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, महीने में एक ही दिन जो है वो ऐसा कर सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि रोज रोज। तो इस तरह से वो धीरे धीरे जो है मांस खाने की इच्छा से मुक्त हो जाएंगे। और जो हरे कृष्ण महामंत्र का शरण लेते हैं वो तो तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं, इसका बहुत ज्यादा प्रमाण है। तो इसलिए जो लोग जो है निपट अज्ञानी है वो मांस बिना नहीं रह सकते हैं, तो उन्हें सौत्रामणि यज्ञ कर करके, सुरापान करने, विवाह करके, स्त्री संघ का संसर्ग करने, यज्ञ द्वारा मांस खाने की कभी कभी अनुमति दी जाती है, ताकि धीरे धीरे वो भी प्रगति करे। वैदिक साहित्य की ऐसी संस्तुतियाँ एक वर्ग विशेष के लिए है, ऐसा नहीं कि सबके लिए है, ऐसा नहीं है, उन लोगों के लिए जो नितांत जो है अधम अवस्था में है उनके लिए है। किसी एक का भोजन दूसरे के लिए विष हो सकता है, इसलिए तमोगुणियों के लिए जो बताया गया है वो सत्वगुणियों के लिए विष है। जैसे तमोगुणी लोग सड़ा गला खाते हैं या मांस खाते हैं, लेकिन सत्वगुणी ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण मतलब तो सत्वगुण में स्थित है, वो मांस को देखेगा भी नहीं, टच भी नहीं, टच कर तो नहाएगा, ऐसा तो उल्टा है। इसलिए श्रील जीव गोस्वामी पुष्टि करते हैं कि किसी वर्ग विशेष लोगों के लिए शास्त्रों की संस्कृतियों को कभी अधर्म नहीं मानना चाहिए। अगर वो शास्त्रों के अनुसार है तो ठीक है, वो अधर्म नहीं है। और शास्त्रों के संस्कृतियों ऐसे अधर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि उसको रोकने के लिए है, धर्म के पथ की ओर अग्रसर कराने के लिए है, ताकि तमोगुणी लोग भी
धीरे धीरे जो है सत्वगुणी बन जाए उसके लिए है। ऐसा सोचकर कोई सत्वगुणी व्यक्ति सोचे अच्छा शास्त्रों में दिया गया तो मैं भी मांस खाऊं, तो फिर उनका पतन हो गया, वो जो है नीचे चले गए, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो महाराज परीक्षित के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए राज्य के समस्त कार्यकारी प्रमुखों का ये कर्तव्य है कि वो जो है राज्य में चार अधर्म को बढ़ने ना दे, और इस प्रकार कली को परीक्षित महाराज ने बोला कि ये चार जगहों पर रहो, क्योंकि ये अधार्मिक आदतें हैं और किसी भी परिस्थिति में हमें कभी भी इन सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और ये सब चीज़ों को कोशिश करना चाहिए कि पूर्ण रूपेण बंद कर दे। राज्य से बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने अपने खुद खुद की जो आदत अगर किसी के पास है तो उसे बंद करा सकते हैं। जो राज्य बहुमत द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहता है उसे निम्नलिखित विधि से धर्म का प्रवर्तन करना चाहिए। एक मास में यदि अधिक नहीं तो कम से कम 2 दिन उपवास रखें। एक मास में 2 दिन उपवास यानी एकादशी को उपवास रखें, अन्न ना खाए उस दिन, फलाहार करें। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे 2 दिन उपवास से राज्य में लाखों टन खाद्यान्न तक अभी बचत होगी अगर राज्य के सब लोग एकादशी पालन करें। एक तो वो कभी भी यमलोक नहीं जाएंगे और उनका पाप जो है पूर्व जन्म का पाप भी नष्ट हो जाएगा, और भौतिक रूप से भी कितने सारे अन्न बच जाएंगे अगर नहीं खाएंगे राज्य के लोग। और इससे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। महीने में 2 दिन अगर कोई व्रत करे तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, उनका शरीर अंदर से जो है हीलिंग करता है। दूसरा है तरुण बालकों तथा बालिकाओं की आयु जब क्रमशः 24 वर्ष और 16 वर्ष की हो जाए तो उनका अनिवार्यतः विवाह होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं लड़का अगर 24 साल का है और लड़की अगर 16 है, 16 में अगर ना भी हो तो 18 शादी करने का उम्र बताया है। सरकार के हिसाब से चलना चाहिए, नहीं कि सरकार के नियमों का उल्लंघन करना चाहिए। तो ठीक है, तो भी वो भी उम्र ठीक है, विवाह होना चाहिए, हुए तो अच्छा है। तो यदि लड़कों तथा लड़कियों का वैध विवाह हो चुका हो तो स्कूल और कॉलेजों में सह शिक्षा देने में कोई हानि नहीं है। अगर शादीशुदा है ना, तो एक साथ लड़का लड़की पढ़ भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर उनका मन भटकता नहीं है, उनको मालूम है कि उनका लाइफ पार्टनर है। यदि लड़कों और लड़कियों में घनिष्ठता भी हो जाए तो अवैध संबंध होने से पूर्व उनका समुचित रूप से विवाह कर दिया जाना चाहिए। मान लीजिए किसी कोई ऐसा हुआ, विवाह नहीं हुआ पर कॉलेज में उनका कोई प्रेम हो गया किसी से, तो विवाह कर लेना चाहिए। तो क्या होगा, वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। अच्छा, विवाह के बाहर फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। तीसरा है राज्य के नागरिक राज्य में या समाज में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए अपनी अपनी जो आय है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं अपने अपने जो आपने कमाई किया है उसका 50% दान में दे। देते भी है, जैसे मुसलमान धर्म में भी कुछ प्रतिशत हर एक व्यक्ति धर्म के प्रचार के लिए दान देते हैं, ये अच्छी बात है। क्रिश्चियन लोग भी दान देते हैं और अनिवार्यतः देते हैं, लेकिन हिंदू में मैक्सिमम लोग नहीं देते हैं। तो धर्म का प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। धर्म का मतलब है भगवान के प्रति जो भावना है उसको बढ़ाना, भगवान के प्रति विश्वास को बढ़ाना, प्रेम को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए प्रभुपाद कहते हैं अपने कमाई का 50% ही दान देना चाहिए। लेकिन अगर संभव नहीं भी हो मान लीजिए तो कुछ प्रतिशत तो दान देना ही चाहिए। वे भागवत के सिद्धांतों का उपदेश जो है कर्मयोग द्वारा अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही प्रत्येक काम करें। प्रामाणिक पुरुषों या मुक्तात्मा या जो भी महान भक्त हैं उनसे नियमित रोज श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। घर पर या पूजा स्थलों पर सामूहिक रूप से भगवान की महिमा का कीर्तन करें। रोज भगवान का घर में भी आराधना करें, मंदिर में भी जाए। मंदिर में अगर रोज नहीं भी जा पाए तो कम से कम एक एक वीक में एक बार तो जाए ही जाए। श्रीमद् भागवत के उपदेश में लगे भागवतों की सभी प्रकार से सेवा करना चाहिए। जो प्रचार करने में लगे हुए हैं, भागवत पढ़ते हैं, भागवत का प्रचार करते हैं, उनकी सेवा में लगना चाहिए। ईश्वर चेतना से पूरित वातावरण वाले स्थान में रहकर करें, अर्थात उनको हमेशा ईश्वर चेतना, भगवान के भक्तों के संग में रहना चाहिए। मंदिर जाना चाहिए या वृंदावन द्वारका जैसे पवित्र स्थलों का भी जब समय हो, जब समय क्या निकालना चाहिए साल में कम से कम एक बार कि वो जाए ऐसे स्थानों पर।
सभी प्रकार का जुआ, यहाँ तक कि जो सट्टेबाजी है या लॉटरी टिकट खरीदना, ये सब भी जुआ में आता है, पतन की ओर ले जाने वाली है। और जब राज्य में जुआ खेलने का प्रोत्साहन मिलता है तो सत्य लोप हो जाता है। तो उपर्युक्त आयु से अधिक काल तक तरुण और तरुणियों को अविवाहित रहने की अनुमति, सभी तरह के कसाई घरों को लाइसेंस का निषेध होना चाहिए। अर्थात बहुत सारे माता पिता इस कार्य को करते भी है अच्छे से, कि जब उम्र हो जाता है बच्चे का विवाह पर जोर देते हैं, भले ही बच्चा बोलते हैं नहीं करना, तो उनको समझाया जाता है और उनके राजी होने पर वो विवाह करा देते हैं। तो ये समय है, सही समय पर विवाह होना चाहिए। और इससे क्या होगा, अवैध यौन संबंध से बच जाएंगे। और कसाई घरों को लाइसेंस नहीं देना चाहिए, पशुवध बंद हो जाएगा। मांसाहारियों को शास्त्र अनुमोदित विधि से मांस ग्रहण करना चाहिए। अगर वो नहीं रह सकते मांस के बिना, तो शास्त्र में जो उपाय है 1 महीने में 1 बार, वैसा उपाय करना चाहिए ताकि वो धीरे धीरे उससे बच सके, बच जाए। और सभी प्रकार का नशा, यहाँ तक कि सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना या चाय कॉफ़ी आदि में भी निकोटीन कैफीन होता है, नशा होता है, तो इसे निषिद्ध होना चाहिए। लस्सी पिए, नारियल पानी पिए, जूस पिए, नींबू पानी पिए, इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और व्यक्ति को नशे की लत भी नहीं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।